नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं तेलंगाना से जुड़ी हुई खास खबर। तेलंगाना में कोविड 19 को लेकर स्थिति बिगड़ रही है। लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं और इसका पूरा असर गांधी अस्पताल में देखने को मिल रहा है, जहां डॉक्टर बीमार होते जा रहे हैं, पुलिस कर्मी बीमार हो रहे हैं। वहीं सुविधा न मिलने के कारण जूनियर डॉक्टर भी स्ट्राइक कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। और इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं कई स्थिति को लेकर गोशा महल के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। उनके घर के बाहर पहरा लगा दिया गया। कुल मिलाकर उन्हें होम अरेस्ट किया गया। चलिए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है विधायक टी राजा सिंह का। पिछले 3 दिन से गांधी हॉस्पिटल, जो कि तेलंगाना में किसको भी अगर कोरोना वायरस आता है तो एक ही एक हॉस्पिटल में उसका इलाज होगा, वो है गांधी हॉस्पिटल। 3 दिन से उस हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी आना हॉस्पिटल में और उनके प्रॉब्लम्स क्या सॉल्व करना। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, खुद के मिनिस्टर से वो नहीं मिलते, तो ये डॉक्टर से क्या मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में चलो मुख्यमंत्री हाउस एक कार्यक्रम था, यानी संख्या को लेकर प्रोग्राम नहीं था हमारा। सिर्फ 3 व्यक्ति, एक विधायक मैं राजा सिंह, हमारे MLC रामचंद्र राव जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण जी, सिर्फ 3 लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी से मिलने का, हम लोग उनको लेटर भेजे और आज का हमारा प्रोग्राम था। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, वो खुद के मिनिस्टर से नहीं मिलते, खुद के MLA से नहीं मिलते, किसी से नहीं मिलते। और हम अगर मिलने का प्रयत्न करें तो हमारे घर के बाहर पुलिस भेज देते। अभी हमारे घर के बाहर तकरीबन 30 से 40 पुलिस वालों को लगाकर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। यानी जो तेलंगाना की जनता आज कोरोना वायरस से मर रही है, किसी प्रकार की कोई फैसिलिटीज नहीं है, तिल तिल मर रहे हैं जिसको कोरोना वायरस आ रहा है, हॉस्पिटलों में तड़प तड़प के मर रहे, और जो लोग मरे जा रहे उनके बॉडीज भी उनके परिवार को नहीं दे रहे, फेस भी नहीं बता रहे। एक व्यक्ति की बॉडी दूसरे के घर को पहुंचा रहे, दूसरे व्यक्ति की बॉडी दूसरे घर को, यानी इतना कम्युनिकेशन गैप, इतनी लापरवाही गांधी अस्पताल में चल रही है। दूसरी बात, अगर कि वो व्यक्ति, जैसे एक नरेंद्र सिंह एक नाम का व्यक्ति, उसको 30 मई को उसको COVID-19 यानी कोरोना वायरस आया, गांधी अस्पताल वो शरीक हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 30 तारीख से लेकर आज तक वो व्यक्ति जिंदा है या मर गया पता नहीं। डॉक्टर बोल रहे कि यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं है, यानी बॉडियाँ भी, अब तो जो व्यक्ति जिंदा है मर गया उसका पता नहीं, अब तो व्यक्तियाँ भी गोल हो जा रहे गांधी अस्पताल से। ये व्यवस्था तेलंगाना के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है, और 4 करोड़ पॉपुलेशन तेलंगाना का, लेकिन कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ एक हॉस्पिटल में। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा, कम से कम दूसरे मुख्यमंत्रियों से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। दूसरे मुख्यमंत्रियाँ बड़े बड़े होटल्स को हॉस्पिटल के रूप में चेंज कर दिए, स्टेडियम हॉस्पिटल के रूप में चेंज कर दिए, तो तुम क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम्हारे को पब्लिक को बचाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक की सेवा करने में तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई कोरोना से मरता है तो मर जाए, मुझे क्या करना है। मुख्यमंत्री जी, आपके नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, 30 मीडिया मित्रों को आज कोरोना वायरस आ चुका है, 120 पुलिस वालों को कोरोना वायरस आ चुका है। दूसरे राज्य में कोई डॉक्टर या कोई पुलिस वाला, किसको भी अगर कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक राज्य है आंध्रा जो 50 लाख रुपये दे रहा है, दूसरे स्टेट वाला दे रहा है 1 करोड़ रुपए। दूसरे स्टेट में भी पुलिस को या डॉक्टर को या कोई भी जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो मरता है तो उनको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जो उनका परिवार सुरक्षित रहे ऐसी सोच रखे। लेकिन आपके पास कांस्टेबल मर रहा है, कोई चिंता नहीं, डॉक्टरों को प्रॉब्लम आ रहा है, कोई चिंता नहीं, पब्लिक मर रही है, कोई चिंता नहीं। आप तो आपके फार्म हाउस में, आपके घर में आराम से चुप कर बैठे, और यहाँ पर तेलंगाना की जनता मर रही है। मुख्यमंत्री जी आप रिजाइन दें, मैं पिछले बार भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, अगर आपसे हाथ नहीं होता है तेलंगाना की जनता को बचाने का तो आप तुरंत रिजाइन दें, आपके मिनिस्टर रिजाइन दें, मैं प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ मैं तेलंगाना की जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक छोटा वीडियो बनाइए और व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाइए कि मुख्यमंत्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट करें। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आइए और देखिए क्या परिस्थिति है। मैं तेलंगाना की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मुख्यमंत्री को चैलेंज करें।